हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मेंदू बड़े। तो बहुत सरल तरीके से बताने वाली हूँ, तो हम बनाना शुरू करते हैं मेंदू बड़े। तो सबसे पहले हम एक कटोरी उड़द की दाल लेंगे और धो लेंगे। तो हमको दो तीन बार धोना है जब तक इसका जो भूरा भूरा सफ़ेद सफ़ेद पानी निकलता है, तो पूरी तरीके से पानी को निकाल देना है। वो दो तीन बार हम दाल को धो लेंगे। अब हम फिर से डबल से धोएंगे दाल को। और पानी डालकर हम रख देंगे, हम 4-5 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे दाल को। तो अब हमारी दाल अच्छे से भीग चुकी थी, फूल चुकी थी, इसके बाद हमने निकाल लिया है। हम देखेंगे कि हमारी दाल अच्छे से फूल चुकी है। अब हम इसको पीसेंगे। तो हमें मिक्सी में एक साथ नहीं पीसना है, क्योंकि हम इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। तो हमको इसको आधा आधा करके ही पीसना है। तो हमने अब मिक्सी में पीसा है, लेकिन अभी हमारी दाल पिसी नहीं है। तो हम इसमें 1-2 चम्मच पानी डाल सकते हैं, ज़्यादा पानी आपको नहीं डालना है। यदि हमने ज़्यादा पानी डाल दिया तो हमारे बड़े नहीं बनेंगे। तो देखिए, हमारी ये दाल पिस चुकी है। अब हम जो दाल है उसको भी पीस लेंगे, और उसमें हम अदरक और हरी मिर्च डालेंगे। तो हमको टुकड़े करके ही डालना है। और अब हम इसको पीसेंगे। हम थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, 1-2 चम्मच। अब हमारी दाल पिस चुकी है। अब हम इसको उसी कटोरे में निकाल लेंगे जिसमें हमने पहले वाली दाल निकाली थी। अब हमने दाल को निकाल लिया है और अच्छे से फेंटना है आपको। हम जितना फेंटेंगे उतने ही हमारे बड़े अच्छे बनेंगे। तो इस प्रकार से हम फेंट लेंगे। और अब हम चेक भी करेंगे इसको कि हमारी दाल फिटी या नहीं। तो हम थोड़ी सी पानी में डालेंगे, यदि हमारी दाल ऊपर आ गई तो मतलब हमारी दाल फिट चुकी है। तो देखिए, हमारी दाल ऊपर आ रही है पानी में, मतलब हमारी दाल फिट गई है। अब हम इसके बड़े बनाएंगे। अभी हम इसमें जीरा डालेंगे 1/2 चम्मच, थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा नमक, तो मैंने 1/2 चम्मच नमक डाला है, आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। अब इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। अब हम तेल गरम करने के लिए रखेंगे और बड़े बनाएंगे। तो बड़े बनाने के लिए आपको दोनों हाथों में इस प्रकार से पानी लगाना है, और हम दाल लेंगे और इस तरह से आपको लड्डू जैसा गोल गोल बनाकर और फिर इसको दबाना है इस तरीके से, और बीच में एक छोटा सा हम छेद जैसा कर देंगे इस तरीके से, और इस तरीके से हम तेल में डालेंगे। फिर हम पानी लगाएंगे हाथ में,
और इस तरीके से हम लड्डू जैसा बनाकर उसको गोल छेद कर देंगे बीच में, और फिर हमको बड़ा डालना है। तो इस प्रकार से हम सारे बड़े बना लेंगे, और हमको ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करना है, मीडियम आंच रहने देना है। यदि हम तेज़ आंच पे तलेंगे तो हमारे जो बड़े हैं वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे, तो हमको मीडियम आंच पर ही तलना है। हम इनको दोनों साइड से अच्छे से सेंक लेंगे। तो देखिए हमारे कितने अच्छे बड़े बने हैं। तो इस प्रकार से हम सारे बड़े तल लेंगे। तो हमारे बड़े तला चुके हैं। तो देखिए कितने अच्छे बड़े बने हैं। आप इनको सांभर के साथ, दही के साथ, चटनी के साथ आप खा सकते हो। और यदि आपको मेरी ये बड़े की रेसिपी पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारे बहुत अच्छे बड़े बनकर तैयार हो चुके हैं।